गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी अभी जस्ट उठाई हूँ मैं। ये देखो देखो कौन आया मेरे पास, देखो कौन आया मेरे पास। तो इसने ही शरारते करके उठाया मेरे को आज भी। तो जस्ट अभी उठा हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया उठने में। आज 12 बज रहे हैं, तो क्योंकि कल रात को वहाँ से आया, फिर थोड़े बहुत काम कर रहा था, अपनी वीडियो एडिट करी जो कल का व्लॉग था उसकी। जाने का नहीं नहीं का टाइम है, पर ये मेरी सुन ले। ओए ओए डैनू, इधर आ, इधर आ, पहले इधर आ। तो आज आज इसको नहला देते हैं यार, आज इसका नहाने का बहुत मन है। ये देखो ये देखो, अभी देख रहा। चल नहीं नहीं करिए, भाग गया। नहीं करोगे आज? नहीं नहीं करनी है। तो नहीं नहीं करने में बहुत मजा आता है, पता नहीं क्यों। अनोखा एक ऐसा ये जीव है इस दुनिया में, इसको नहीं नहीं करने में बहुत मजा आता है। तो इसकी नहीं नहीं मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे करता है। टावल ले लिया है डेनियरा। ओए रुक जाओ, मैं नहीं जा रहा नहीं नहीं करवाने, मैं तो खुद ना आऊंगा। क्या करना है देखो, क्या करना है? नहीं नहीं चलो फिर, चलो चलो चलो। ये देखो ऐसा ना बोलो बोलो। आज दिन बहुत सनी सनी सा है, तो मैंने सोचा आज इसको नहला देते हैं, सूख भी जाएगा अच्छे से। वो दे कब्रू जब इसको लेके आया था ना, तब मेरे को सबसे ज्यादा डर यही था कि इसको नहलाऊंगा कैसे। तो बचपन से मैंने खेलने की आदत डाल दी थी पानी के साथ, इसको पता था, तब से ही ऐसे खेलता आ रहा है ना। गुगु ना गुगु गुगु जैसे कार वॉश हो रही है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बस गीला हो के इतना मजा आता है, बारिश होती है उसको बंद करना पड़ता है, नहीं तो छत पे घूमता रहता है। मुझे टाइम तो लगाएंगे, ये वाला शैम्पू यूज करते हैं हम, इसके लिए काफी सही होता है, और हेयर बालों के लिए भी और चिक्स वगैरह के लिए काफी सही होता है। ऐसा कोई बच्चा भी नहीं नहाता होगा जैसे नहाता है मजे से। और ये बचपन से ही ऐसा है, इनने कभी भी तंग नहीं करा नहाने के लिए, छोटा सा था कब से ऐसे खेलते खेलते था। इधर आओ डैनी, तो ये होता है कि मेरा पानी कोई यूज ना करे। अब चलो नीचे, चलो जाओ नीचे। अब इसको पता है कि मेरे ऊपर साबुन वाबुन लगाया है, मेरे ऊपर ये वाला पानी भी डालेंगे, उसके बाद नीचे जाना है। थोड़ी देर के लिए पाइप से खेलने के लिए, फिर बस।
थोड़ा बहुत साबुन हो गया और थोड़ा बहुत चाइना। मैंने माइक भी ऑर्डर करा था, वो भी आ चुका है, ये रहा। तो इसको खोलते हैं फटाफट और इसको चेक करते हैं। तो ये बॉक्स है, काफी सही पैकिंग के साथ आया ये तो। आई होप अंदर भी सब कुछ ठीक होगा। अरे ना करे, बट इसको देखना चाहिए। अरे यहाँ से खुला हुआ क्यों है? ये थोड़ी बहुत इसकी मैनुअल एंड ऑल है, या ऐसे ऐसे यूज़ करना पता है हमको। 36 माइक यूज़ कर चुके हैं। तो ये काफ़ी सही पाउच के साथ आता है यार। तो ये वाला माइक ही मेरे को भैया ने बताया था जिससे मैंने मंगवाया था अपना एडाप्टर, कि AU400 आप मंगवा लेना, काफ़ी अच्छा है। तो चेक करते हैं इसको, देखो नहान हूँ के नई नुई करके है, खाना वाना खा के अब निन्नी करनी। ओए अब नहीं, पाउच काफ़ी सही है कैरी करने के लिए भी अच्छा है। इसको खोलते हैं फटाफट, इसके अंदर से क्या निकलेगा ये। अच्छा दो क्लिप्स निकली हैं। अरे ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, डू नॉट ईट थ्रो अवे, इसको फेंकना है डैनी। तो इसको डैनी से दूर, और ये जैक मिलता है, और ये माइक, माइक की पहले ये पॉपअप सा हटा के देखते हैं। ये देखो कितना कूचा बनता रहता है, कितना कूट कूचा बनता रहता है। कुटी पाई मेरा, कुटी पाई डैनू, नहीं नहीं कुछ नहीं उठाना। देखो मेरा कैमरा, इसके अंदर मैंने यहाँ पे होल किया था जो मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था। ये रहा माइक और ये रहा मेरा अडेप्टर। इसको ऑन करते हैं, प्लग इन करते हैं। आपको इससे ही पता चल जाएगा कि ये जो अडेप्टर है ये काम कर रहा है कि नहीं। देखो ये बिजी का साइन जब आता है, इट्स मीन इट्स वर्किंग, तो ये काम कर रहा है। अभी मैंने चेक कर लिया है भाई, मतलब आज मुझे पता चला कि जितने पैसे ज़्यादा उतनी बड़ी क्वालिटी। तो रुको जरा, सबर करो। तो मैंने वो 150-200 रुपए का माइक लेके आया था मैं शॉप से, वो इतना बेकार, फट रही थी उसके अंदर आवाज, लेकिन ये वाले माइक में इतनी सही आवाज आ रही है अभी तक। तो मैंने हेलमेट का वाइजर वगैरह बंद करके माइक लगा के पूरा अच्छे से टेस्ट किया, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। तो मैंने यहाँ पे जो ये टेपिंग करी है ये थोड़ी सी इस फॉर्म के ऊपर भी कर दी, क्योंकि ये वाली फॉर्म ना निकल जाती है बार बार। तो ऐसे ही मैं टेपिंग कर करके पूरा यहाँ पे पीछे ये वाला पार्ट खोल के अंदर भी टेपिंग करूँगा, ताकि ज़्यादा हिले ना, क्योंकि जितनी ये माइक हिलेगा, जितनी ये वायर हिलेगी, उतना ही डैमेज होने का ज़्यादा खतरा होता है। कुछ ऐसे करके मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बीच में वायर्स को छोड़ के टेपिंग करी है, ताकि ज़्यादा ये मूव ना हो। वायर फिट करने से पहले आप हेलमेट को पहन के देख लेना कि कहीं पर आपको वायर पीछे, सर के पीछे कहीं पर आपको चुभ तो नहीं रही, या फिर कहीं पर आपको अनकम्फर्टेबल तो नहीं लग रहा, उसके बाद ही उसको टेपिंग करें। तो आज मम्मा ने बनाए हैं आलू के पराठे और दही। तो शायद से कल की थकावट अभी तक उतरी नहीं है, तो परांठे वराठे खा के फिर ऐसा लग रहा है कि सो जाऊं। तो अभी देखता हूं थोड़ी देर, एक आधे घंटे की नैप लेता हूं, उसके बाद कुछ ना कुछ प्लान बनाते हैं, कहीं की राइड बनाते हैं, क्योंकि यार मेरे को एक बार टेस्ट तो करना है वाला माइक भी। अभी 6:50 हो रहा है, तो अभी उठते हैं, चाय वाय पीते हैं। तो अभी लेटे लेटे मैं फिर से सो गया था, तो डैनी आ गया उठाने। ये देखो इसके आज हमने बेल्ट भी उतारी हुई है गले की। तो ये वाले राइडिंग गियर्स मैंने लिए थे जब बाइक ली थी उसके थोड़े टाइम बाद ही, और इनको शायद 1-1.5 साल हो गया है, नए के नए ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं मैंने, क्योंकि कोई राइड ही नहीं करी। तो अभी कुछ प्लान्स चल रहे हैं राइड के, तो फिर बस उसी लिए मैंने निकाल के देखा है कि कैसा ठीक है कि नहीं। तो 8:30 हो गए हैं, लेकिन मेरा मन है बाइक निकालने का। मैं पहले सोच रहा था कि कल वीडियो बना लूंगा, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार आज बना ही लेते हैं। तो अभी बस बाइक निकाल रहा हूँ, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है कि मेरे को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। बाइक निकालते हैं, जिधर रास्ता ले चले उधर चल लेंगे।
तो अभी मैं निकला हूँ घर की साइड से, अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। ये माइक जो मैंने न्यू मंगवाया था वो वाला है, तो अभी तक तो बस कुछ आइडिया नहीं है, जो घर में मैंने टेस्ट किया था वही है। इसके अंदर खटखट की आवाज़ आ रही है, वो आ रही है इसके अडेप्टर के, वो बार बार लग रहा है। ये देखो थोड़े टाइम बाद मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, लाइक कुछ ज़्यादा टाइम बाद भी नहीं, अभी देखते हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर या दो हफ्ते के अंदर अंदर, ज़्यादा लंबी ट्रिप नहीं पर छोटी सी ट्रिप तो मैं मारूँगा। और मेरे को पता चला कि मैंने जो उस दिन सर्विस करवाना या फिर जो बाइक रिपेयर करवाने गया था वहाँ से एक ऐसा बोल्ट कहीं गिर चुका है टूट के, तो अब ये भी नया लगवाना पड़ेगा, देखते हैं इसको भी लगवाते। अभी अभी बाइक राइड से घर आ चुका हूँ, तो मैंने अभी आके थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह चेक करे, तो भाई माइक की क्वालिटी मेरे को इसकी भी अच्छी नहीं लग रही है, तो मुझे अब लग रहा है कि इससे अच्छी मेरे पहले वाले माइक की थी। तो भगवान, तो अभी देखते हैं इसको चेंज करते हैं या फिर थोड़ी सी एडजस्ट करके देखते हैं, इधर उधर लगा के देखते हैं माइक। मैंने एकदम फेस के आगे इधर की साइड लगा रखा था माइक, लेकिन काफ़ी दूर था, बट फट रही है, बहुत फट रही है आवाज़, तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकालते हैं इस चीज़ का। इतना मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ भी इजीली चीज़ होती नहीं है, तो अभी मैंने ये माइक मंगवाया है, इसकी क्वालिटी भी बहुत, इसकी क्वालिटी आई थिंक जो मैंने वो 150-200 का जो माइक लेके आया था उससे भी बेकार है, तो अभी मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है। विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, मैं थोड़ी बहुत क्लिप डाल दूंगा, पूरी क्लिप डालने में कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि बहुत बेकार है, थोड़ी थोड़ी क्लिप करके डालूंगा मैं, ठीक है। उन्होंने खाना वाना खा लिया, अब ये जाएगा ऊपर, ऊपर जाना है बाबू, वो राजे गुगू पी रहा है अभी। खाना आ गया अपना, मेरा डैनू सो रहा है, खाना वाना खाते हैं उसके बाद यार हम। तो इस वाले माइक ने भी उम्मीद तोड़ दी है, तो बहुत मन से भार गया था मैंने पूरा अपना, एक घंटा लगाया बाइक लेके इधर उधर घूमता रहा कि माइक टेस्ट होगा, लेकिन इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बट कोई बात नहीं, चल कल इसको माइक को ले जाएंगे वो, और देखो कब तक रिफंड आता है। तो कल मैं अपना वो 200 वाला माइक ही ले आऊँगा भाई, वही बढ़िया था मेरे लिए। तो आज के लिए बस इतने, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।